नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप बढ़िया ही होंगे सब लोग। आज दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एक ब्लॉग वीडियो। दोस्तों अभी हम आए हैं अपने हॉटमिक्स प्लांट पे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये दोस्तों हमारा हॉटमिक्स प्लांट चालू है, MBC का प्रोडक्शन चल रहा है। अभी हम प्लांट पे हैं, गाड़ियाँ लोड हो रही हैं यहाँ पे, चलता हुआ हमारा लोडर। ये JCB का 432 मॉडल है, 432 प्लस मॉडल है। दोस्तों यहाँ पे ये गाड़ियाँ लोड होके निकलती हुई साइड के लिए, प्लांट से लोड होके, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गाड़ी निकल गई है साइड के लिए। अगली गाड़ी हमने लगाई है लोडिंग के लिए, गाड़ी निकल गई हमारी। बहुत ठंड है आज, मैंने खुद ने भी आज कैप वैप सब लगा रखी है। चलिए दोस्तों, ये चल रहा है अपना BC का प्रोडक्शन, अभी चलते हैं अपन साइड पे। अब चलते हैं दोस्तों अपन लोग साइड पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी में दोस्तों, ये जो साइड देख रहे हैं आप, ये सामने स्क्रीन पे है, ये 79 चैनेज है। यहाँ दोनों साइड हम लोगों ने BC कर दी है, अभी इस पर फाइनल रोड डेकोरेशन होना बाकी है। थर्मोप्लास्ट होगा, मीडियन फिलिंग होगी, प्लांटेशन होगा। दोस्तों अभी हम पहुँच गए साइड पे, यहाँ पे ही हमारा BC का लेइंग चालू है। और ये देखो डीजल का टैंकर आ गया हमारा, डीजल डालने के लिए। चीज़ का भी एक वीडियो बनाऊंगा सर, एक गाड़ी और खड़ी है यहाँ पे। ये लॉन्ग साइज के डंपर हैं, इनको जब खाली होने में देखना आप, ये इसके सारे चक्के ऊपर हो जाते हैं। ये इसका डाला डाउन करेंगे तभी जमीन में आएंगे। चलिए मशीन में डीजल डालते हैं। ये हम लोग यहाँ पे डीजल डाल रहे हैं। ये जो बोगले का जो डीजल टैंक रहता है, ये रहता है इधर ऊपर। गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आते जा रही हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 10 लीटर डीजल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं इसका पेवर को क्लीनिंग करने के लिए। जब काम ख़त्म हो जाता है, इसके ऑगर, इसकी चैन और इसका जो हॉपर रहता है, उसको क्लीनिंग करने के लिए हम लोग ये अलग से डीजल ले लेते हैं। मतलब प्रेशर से डीजल आता है और ये इसका गन हो रहा है। दोस्तों ये जो डीजल डिस्पेंसर है, ये हमारा दूसरा डीजल डिस्पेंसर है। ये 2500 कैपेसिटी के साथ है, 2500 लीटर की। ये महिंद्रा की पिकअप पे बना हुआ है। एक तो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, वो 207 है, ये महिंद्रा का है। ये साइड पे डीजल बांटने के लिए ये ले, इसे हमारे पास दो हैं। एक हमारा कैम बीच में है 96 पे, एक टैंक चलता है 61 तरफ, वो एक चलता है 96 से 127 की तरफ। ये आ गई हमारी गाड़ियाँ और उनको हम खाली करेंगे। डीजल लेने के लिए थोड़ा हमने ब्रेक किया था, गाड़ी लगाई हमने, इनसे मिली है। ये हमारे महेश बिहारे उस्ताद हैं, पुराने ड्राइवर हैं, मत उठाए जो गाड़ी, खाली करो ढंग से।
एक एक चक्कर और लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। दोस्तों हम लोग ये यहाँ पे जो कल जो हमने किया था बीसी और ये आज यहाँ से स्टार्ट किया, उसका जॉइंट मिला रहे हैं हमें। जॉइंट मिलाने के लिए मैं एक बार जब जॉइंट पूरा मिलाने के बाद रोलिंग करने के बाद एक बार थोड़ा जब ठंडा हो जाता है तब एक बार ऐसा आड़ा रोलर ज़रूर चलाता हूँ, इससे जॉइंट एकदम परफेक्ट मिल जाता है। मैं इस टाइप से करता हूँ अपना जॉइंट, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, अच्छे से मिल जाता है एक बार। सो ये चल रहा है हमारा लेइंग एक साइड से, ठंड बहुत है आज मौसम देखो। इधर साइड में हमारे चल रहे हैं पीछे पीछे रोलर। रोलर पे आज मनोज नहीं है, मनोज आज सर छुट्टी जगह है। देखिए हमारा दूसरा ऑपरेटर है ये विमल, एक ऑपरेटर हम लोग स्पेयर में रखते हैं। तीन रोलर हैं, एक रोलर हमारा खड़ा है एम के, तीन रोलर हैं ये वाले हमारे पास, एक खड़ा है आज वो वाला ऑपरेटर आया है इस पर। इधर एक मनोहर भाई लगे हमारे, तो ये लाइम पाउडर मार रहे हैं हम लोग। इसके ऊपर से वो पीडीआर खड़ा है, आपको देख रहे हैं पीडीआर चलाएंगे। छोटू है हमारा प्रकाश, ये लाइन मार रहा है, लाइन क्या सॉरी लाइम पाउडर डाल रहा है। ये देखो हमारे कैंपर वाले सब ऑलराउंडर हैं यहाँ पे, ये हमारे कैंपर के उस्ताद हैं और ये यहाँ पे पीटीआर भी चला लेते हैं। देखो पीटीआर का फिल्टर साफ़ कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार फिल्टर अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद चालू करो। ये दुर्गेश भाई हमारे ऑपरेटर हैं और ये देखो ये सीख रहे हैं, ये हमारे कैंपर के ड्राइवर हैं। अरे इतना आसान होता ना तो हर दूसरे घर में पीटीआर ऑपरेटर होता। तो जब भी पीटीआर हम लोग चलाते पहले उसके टायर अच्छे से गीले कर लो, पुराने रोड पे अच्छे से चला के दो तीन बार आगे पीछे कर लो, उसके टायर अच्छे से गीले हो गए के बाद इसको नए रोड पर, नहीं तो इसके टायरों में पूरा जो भी डी जो भी अपन डामर कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं या डीबीएम कर रहे हैं, सब चिपक जाएगा इसके। तो ट्रायल ले रहे हैं भैया, सीख रहे हैं। उस्ताद उतर जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, टाइम लगेगा, दो चार महीने लगेंगे तुम्हें। दोस्तों ये हो गया पंगा, देखो गाड़ी के दोनों टायर बैठ गए, फट गए मेरे हिसाब से। इसमें अपना बीसी लोड है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसका थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम रहता है जब बीसी लोड हो जाती है। बीसी लोड के टायर अगर ऐसे बैठ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे चालू किया है हम लोगों ने, रोलिंग चालू कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने ये लाइम पाउडर मार दिया, वहाँ तक हम पीटीआर चला रहे हैं, उसके आगे ये रोलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक रोलर है मनोहर, दूसरे पे है विमल। जब ये सरफेस पे बिल्कुल लाइनिंग वाइनिंग पूरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम चूना मारते हैं,
चूना मारने के बाद फिर हम पीटीआर चलाते हैं। थोड़ा गर्म में पीटीआर चलाओ तो सर्विस बहुत अच्छी स्मूथ हो जाती है। पीछे से पीटीआर हम चला रहे हैं चूने के ऊपर। ये दुर्गे, ये इस लाइन के पुराने खिलाड़ी हैं। गाड़ी भी हमारी लगभग आ गई है, रिवर्स हो रही है गाड़ी। एक गाड़ी हमारी पंचर है, चलिए अभी उसी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है। राजा बेवर चलाना सीख गया। दोस्तों आखिरी लोड हमारा खाली हो गया है और वो जो पंचर गाड़ी थी वो भी आ गई है। मैकेनिक टीम आ गई थी, दो टायर नए दूसरे डाले और उसको चेंज करके ले आए हैं। खाली हो गई वो गाड़ी भी और आखिरी में अब हम ये फाइनल पीटीआर चला रहे हैं। जॉइंट भी हमने कट कर दिया है, ये फाइनल पीटीआर चला रहे हैं। पीटीआर चलाने के बाद फिर हम उसके आधा या एक घंटे बाद हमें ट्रैफिक मूव कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।